हेलो दोस्तों, तो आज हम एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल को अब समझने वाले हैं, क्लॉक क्लच। तो आई होप कि ये आपने नाम सुना होगा। इसका दूसरा नाम जो है वो है डॉग क्लच। अब आप कहोगे यार ये क्या नाम हुआ डॉग क्लच, तो हम अगर हिंदी में बोले तो क्या कुत्ता क्लच, तो कुत्ता क्लच क्यों रखा हुआ है इसका नाम, तो डॉग क्लच क्यों रखा हुआ है इसका नाम। इसका एक रीज़न है, यहाँ पे देखिए ये मॉडल है हमारे पास। इस मॉडल बहुत खूबसूरत तरीके से मॉडल बनाया। अगर आप देखोगे दो पार्ट होते हैं, एक हमारे पास इंजन और एक आउटपुट। आपके पास इंजन और आउटपुट का दो है, तो मैं मान लीजिए मैं इसको इनपुट देता हूँ, यहाँ पे इनपुट है, ओके इनपुट दिया, और ये अभी क्या है, ये शाफ्ट जो इसकी शाफ्ट को रोटेट कर रही है, ये देखो ये रोटेट हो रहा है, आप देखने के लिए यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये देखिए रोटेट कर रहा है, ओके। तो ये है क्लच, और इसको कहते हैं डॉग क्लच या क्लॉक क्लच। और ये हमारे पास जब देखेंगे, देखिए क्लच हमने जब प्रेस करना है तो ये स्प्रिंग प्रेस हुआ और ये अलग हो गया। अब इसको घुमाओ, क्या दिक्कत है, आगे शाफ्ट घूम ही नहीं रही है। मतलब हमारे पास क्लच जो है डिसएंगेज कर दिया आपने। डिसएंगेजमेंट में इस तरह से मूव करते रहो, हमें आउटपुट में कोई भी आउटपुट मिल ही नहीं रही है। जैसे ही आप क्लच को छोड़ेंगे और ये इसको पकड़ लेगा, किसकी तरह, डॉग की तरह, कुत्ते की तरह पकड़ लेगा। तो ये देखो ये क्लॉ है इसका, क्लच है, ये पकड़ लिया। आप देखो घुमाओ कि आप कहोगे सर ये कहीं पे यूज होता है, तो यूज होता है मेरे भाई रेसिंग कार में। अब आप कहोगे रेसिंग कार में कहाँ यूज होता है, तो भाई साहब रेसिंग कार में मिली सेकेंड्स का टाइम होता है आपके पास, आप फ्रिक्शन के कारण लॉसेज नहीं सहन कर सकते। देखो हमारे पास दूसरे जो क्लचेज होते हैं ना, उसमें एक प्लेट आएगी इस तरह से, यहाँ पे फ्रिक्शन मटीरियल होगा, दूसरा यहाँ पे होगा, इसको पकड़ता है और ये मूव कराता है। अब अगर इसकी स्लिपेज हुई और तो भाई वही प्रॉब्लम आएगी। स्लिपेज नहीं होनी चाहिए, पावर ट्रांसमिशन का लॉस नहीं होना चाहिए, और इसमें नहीं होगा। ये आपको लगता है कि कहीं ये पावर ट्रांसमिशन का लॉस हो सकता है, जीरो लॉसेस है इसमें, जीरो। आपके पास इसको कहते हैं पॉजिटिव ड्राइव। इसमें क्लच हमारे पास पॉजिटिव तरीके से इसको पकड़ के और घुमाता रहता है। तो अब देखिए इस तरह से पकड़ लिया और इसको घुमाना स्टार्ट कर दिया क्लच। ये देखो डिसएंगेज और ये एंगेज, डिसएंगेज और ये हमारे पास फिर से एंगेज। तो इस तरह से ये क्लच पकड़ लेता है, और ये हमारे पास ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ियां जो हैं उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है, ताकि हमारे पास जो है इसका कनेक्शन जो है प्रॉपर तरीके से आप बना सकें। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा, बहुत ही खूबसूरत मॉडल है यार। तो मैं फिर से अगेन एक बार कहना चाहूँगा ईथर इंजीनियर्स का थैंक यू, और मेरे लिए ये एक स्वर्ग से कम नहीं है जहाँ पे मैं आया हूँ, और ये मेरे लिए एक स्वर्ग है जो मैकेनिकल इंजीनियर्स को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। एक एक वीडियो, एक एक मॉडल आपको यहाँ पे मैं शेयर करूँगा, और थैंक यू सो मच इधर से इंजीनियर्स मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच। और मेरी ऐप डाउनलोड करना ना भूलें, यहाँ पे आपको थंबनेल दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।